हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गुरु चैनल में स्वागत। मैं हूं सांत मेहता। आज मैं फोटोकॉपियर मशीन का लेजर लैंप को क्लीन करना दिखाएंगे, साथ ही कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो चलिए फोटोकॉपियर मशीन में चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है फोटोकॉपियर मशीन। तो लेजर लैंप को कैसे क्लीन किया जाता है, तो चलिए करके दिखाते हैं। तो देखिए, एक एक करके खोल के दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, स्क्रू को खोल देने पड़ेगा पहले। एक एक करके हटाना पड़ेगा। इससे पहले इस साइड का जो ढक्कन है इसे खोल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिक्सिंग यूनिट भी रहेगा, आपको दिखाते हैं क्या क्या आपको खोलना पड़ेगा। जो ड्राम यूनिट है इसको निकाल दीजिए। फिर यहाँ पे टूनर का यूनिट है, इसको निकाल देना पड़ेगा। अब इधर देखिए, आपको दिखाते हैं जो लेजर रहता है, लेजर को दिखाते हैं लेजर कहाँ पे रहता है। जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, देखिए दर्पण जैसा होता है, शीशा कांच का है, वो लेजर को क्लीन करना पड़ेगा। जो शीशा की चीज़ दिखाई दे रहा है वो है लेजर। और थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो रिफ्लेक्ट होता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, वो है लेजर का पूरा पार्ट। यहाँ से यहाँ तक आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लीन है, फिर भी आपको सिस्टम प्रोसेस आपको दिखा देते हैं कैसे क्लीन कीजिएगा। तो क्लीन करना क्यों जरूरी है आपको एक बार यहीं पे बोल देते हैं, क्योंकि जैसे कि आप ड्राम क्लीन करते हैं, रीडर लैंप क्लीन करते हैं, क्योंकि यहाँ से पिक्चर ड्राम में आता है। तो यहाँ पे अगर गंदा लगे रहता है तो आपका इमेज कैसे क्लियर होगा। तो इमेज क्लियर करने के लिए यहाँ से ही लेजर लैंप वहीं से ड्राम में आता है और ड्राम में पिक्चर पैदा होता है। यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखिए, लेज़र लैंप को क्लियरली आपको समझा दे, थोड़ा दूर से आपको दिखा देते हैं। उस अंदर में लेज़र लैंप रहता है। तो इस लेज़र लैंप को अच्छा क्लॉथ से, भीगा हुआ कपड़ा से क्लीन कीजिए, मतलब पानी वाला कपड़ा नहीं, भीगा कपड़ा। तो चलते क्लीन करके आपको दिखाते हैं। इस क्लॉथ को थोड़ा एक कॉर्नर में थोड़ा भीगा लो, एक जगह भिगाने के बाद उसको थोड़ा ड्राई कर लो। पानी एकदम सूखा दो यहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे स्पॉट हो जाएगा, वहाँ पे पानी का दाग रह जाएगा, इसीलिए थोड़ा सूख जाएगा यहाँ पे। अब उसको क्लीन करो। ये जो लेजर लैंप है देख पा रहे हैं आप, इसको यहाँ से शुरू करके क्लीन कर देना। यहाँ पे अगर गंदा रहता है, ये भी तो एक आँखें है, तो ये गंदा रहने से जो इमेज ड्राम तक पहुँचेगा वो इमेज क्लियर नहीं रहेगा, इसीलिए इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप सूखा क्लॉथ से, वो तो भीगा हुआ था, आप सूखा क्लॉथ से उस पानी को पोंछ दो।
जो पानी थोड़ा लगे रहता है उसको पोंछ देना है। तो ये क्लीन हो गया है, देखिए कहीं पे कुछ नहीं है। थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको, देखिए कहीं पे दाग नहीं है। लेकिन एक चीज़ बोले, 8-10 साल बाद इस शीशा में एक फंगस आता है जो अंदर की ओर से, हम लोग तो बाहर की ओर किया लेकिन अंदर साइड में थोड़ा फंगस रहता है। उस फंगस को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर चाहे तो फंगस भी क्लीन कर सकते हैं। जैसे आप देख पाते हैं, देखिए ये जो शीशा है, इस शीशा को आप उठा सकते हैं निकाल कर, लेकिन पूरा मशीन खोलना पड़ेगा तब जाके इसको खोल पाएंगे। शीशा को गाम से पेस्टिंग किया हुआ है, उस गाम को खोल के इसको फिर क्लीन भी किया जाता है अंदर के साइड से। तो अंदर का साइड के क्लीन करने की उतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यार टाइट रहता है, कहीं पे एक भी छेदा नहीं है, यार टाइट है, इसीलिए उसका अंदर धूल होना मुश्किल होता है। जैसे कि कैमरा में बाहर कोर ही मैला रहता है, अंदर कोर नहीं होता है। अगर ज़्यादा दिन अगर फेंक के रखा जाए, इस मशीन को यूज़ ना किया जाए, तब उस फंगस पड़ता है कैमरा में भी और इसमें भी। लेज़र लैंप आपको दिखा दिया कैसा होता है, उस लेज़र लैंप से इमेज ड्राम तक पहुंचता है और वो पिक्चर क्वालिटी बेहतर होता है। तो इसको आप चाहे तो अच्छा कपड़ा से भी क्लीन कर सकते हैं भीगा हुआ पानी से, नहीं तो पेपर से भी, मतलब कागज़ से भी शीशा जैसे साफ़ किया जाता है। थोड़ा पानी लेकर कागज़ का, जैसा कपड़ा में देता है, जैसा मैंने भीगा हुआ कपड़ा क्लॉथ जैसा होता है, भीगा हुआ क्लॉथ, तो भीगा हुआ कागज़ से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अगर कागज़ से क्लीन करते हैं तो आपका ये जो इसमें कोई क्रैश नहीं होगा, ये जो शीशा है, शीशा में अगर क्रैश होता है, क्रैश होने से आपका इमेज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये जो रहता है आपको फिर घुमा के दिखा देते हैं, नीचे पे रहता है टोनर का यूनिट, उसका ऊपर रहता है ड्राम यूनिट। तो ड्राम के सीधा उल्टा और ड्राम के सीधा ही लेज़र लैंप को रखा जाता है क्योंकि लेज़र लैंप से ही ड्राम में इमेज ट्रांसफ़र करता है, वहीं से सीधा ड्राम में ट्रांसफ़र करेगा। हम जिस ओर से कैमरा पकड़े हैं इसी ओर ड्राम रहता है, अगर यहीं पे ड्राम रहता है तो वहाँ से लेज़र लैंप ड्राम में मरेगा। और एक चीज़ आपको बोल दें, ये जो लेज़र लैंप है, लेज़र लैंप के जो नीचे अगर देखा जाए, कभी कभी रैट यहाँ पे अपना घर बनाता है, घर बनाने से ये ढक जाता है, मतलब लेज़र लैंप को ढक जाता है। ढक जाने के कारण कुछ कुछ जगह ढकता है, तब आपका प्रिंटिंग में कुछ जगह आएगा, कुछ जगह नहीं आएगा, तब आप समझेंगे कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है आपको वो खोल के देखना पड़ेगा। लेज़र लैंप का सामने क्लियर है जो ड्राम तक इमेज को ट्रांसफ़र करता है। अगर ड्राम तक इमेज को ट्रांसफ़र करने के लिए अगर कोई भी जगह पे अगर कोई भी गार्ड हो जाता है, तो गार्ड के कारण वो इमेज ड्राम तक नहीं पहुंच पाएगा। सिनेमा हॉल में जैसे पर्दे में इमेज ट्रांसफ़र करता है, उसी हिसाब से ये लेज़र लैंप ड्राम में ट्रांसफ़र करता है। तो आपको देखना होगा, कभी भी अगर ऐसा होता है कि आपका प्रिंट में दिक्कतें होता है, काला सा होता है, कहीं पे बहुत सा काला होता है, तब आप समझेंगे ड्राम में सही तरह आपका लेज़र लैंप क्लियर से नहीं मार पाता है, कहीं पे कुछ गार्ड हो गया है, इसीलिए ड्राम तक वो ट्रांसफ़र नहीं करने के कारण पिक्चर अच्छा नहीं आ पा रहा। तो लेज़र लैंप को हमेशा ही क्लीन करना चाहिए। अगर ज़्यादा दिन आपका मशीन स्टॉप रहता है तो लेज़र लैंप पे फंगस पड़ने का चांसेस रहता है, अगर फंगस पड़ जाता है तो उस फंगस को क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो ये आपको बता दिया लेज़र लैंप कहाँ पे रहता है और लेज़र लैंप के क्लीन करने के क्या तरीका है, कैसे क्लीन किया जाता है। तो ऐसे ही लेज़र लैंप क्लीन किया जाता है।
तो फ्रेंड्स आपको दिखा दिया कैसे लेजर लैंप को क्लीन किया जाता है, लेजर लैंप को क्लीन करने की क्या ज़रूरत है, सारी कुछ आपको बता दिया है। लेजर लैंप के बारे में अगर कुछ सवाल रहता है वो कमेंट बॉक्स में लिख भीजिए, आपको उसके बारे में वीडियो बना के आपके भेज देंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए हम तैयारी करते हैं।